हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। माय नेम इज रशीद अंसारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एमकॉम फर्स्ट ईयर एग्जाम शेड्यूल। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं एमकॉम ओल्ड कोर्स के हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आईपीओ 1 से लेकर के आईपीओ 6 तक का पेपर होता है और उसी के एग्जाम शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे कि कब कब आपको एग्जाम जो है वो देना है, किस टाइम के बीच देना है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एंड उससे पहले मैं कुछ चीजें और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, नोट्स एग्जाम नोट्स हमारे पास अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। अगर आप एग्जाम नोट्स लेते हैं तो आपको असाइनमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। हालांकि फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो सॉरी, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे एग्जाम नोट्स ही प्रोवाइड करा पाऊंगा इनकेस अगर आपको सारे के सारे नोट्स चाहिए होंगे तो। ठीक है, एग्जाम असाइनमेंट्स फर्स्ट ईयर के अवेलेबल नहीं है, सेकंड ईयर के और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो नए कोर्स वाले हैं एमकॉम उन सब के अवेलेबल है। तो सो सॉरी फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपके लिए हमारे पास असाइनमेंट्स अवेलेबल नहीं है। और आई होप कि आप लोगों ने दे भी दिया होगा, 2022 में लॉन्च हुआ था भाई, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था नया वाला कोर्स, तो उसके पहले ही आप आई होप कि आपका एडमिशन होगा और आपने सबमिशन भी ऑलरेडी कर दिया होगा, तो मैं इसके लिए टेंशन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माय नंबर व्हिच इज 8101065300। जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं इग्नू के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यू नो, इकोनॉमिक्स, इन सब के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट्स भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी, आपको हमें सिर्फ कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप करना है हमारे फोन नंबर पे और आपको जो है असाइनमेंट जो है आपको मिल जाएंगे एट अ नॉमिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यस, अपडेट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आईबीओ 1 का जो आपका पेपर है वो 5 जून को होगा, आईबीओ 2 जो है आपका 6 जून को होगा, आईबीओ 3 जो है 7 जून को होगा, आईबीओ 4 3 जून को होगा। तो आपका जो सबसे पहला पेपर होने वाला है वो 3 जून को होने वाला है। आईबीओ 4 का पेपर आपका पहला पेपर होगा जो कि 3 जून को होगा 10 से 1 के बीच में। फिर आपका आईबीओ 1 का पेपर होगा 5 से 6 5 जून को, आईबीओ 2 का पेपर होगा 6 जून को, आईबीओ 3 होगा 7 जून को, आईबीओ 5 होगा 9 जून को और आईबीओ 6 होगा 10 जून को। तो एग्जाम जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है आपके पास। जून के महीने में एग्जाम है, हार्डली 2 से 3 महीने का टाइम है। यही बेस्ट टाइम है नोट्स लेकर के स्टडी करने का ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। एंड आई कैन गारंटी यू कि जो नोट्स आपको मैं देने वाला हूँ उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको जो यू नो साथ में जो आपको हमारे वेबसाइट का एक्सेस प्रोवाइड करा दूंगा, वेबसाइट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल हैं। अगर आप उन सबको अच्छे तरीके से करेंगे प्लस हमारे यूट्यूब के वीडियोज भी करेंगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू नो, आई मीन टेल यू, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको डेट शीट आपको बता दी है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।